नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक। यह सम्मान उसे यूं ही नहीं मिला बल्कि यहाँ हुए अनुसंधानों ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आयाम तय किए हैं। वैसे तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 3 नवंबर 2009 में मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, लेकिन समाज और राष्ट्र को दिए योगदान की वजह से साल 2012 में प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम पद्म विभूषण से अलंकृत नानाजी देशमुख के नाम पर करके पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। सभी विश्वविद्यालयों की तरह इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी प्रदेश के राज्यपाल हैं और वे ही दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन जबलपुर, महू और रीवा में स्थित 3 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय हैं। इसी के साथ ही 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल और मुरैना में स्थापित हैं। इसके अलावा जबलपुर में स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी सेंटर और मत्स्य पालन महाविद्यालय स्थापित है। सभी महाविद्यालयों और केंद्रों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पशुपालकों को लाभ पहुंचाना और पशुधन विकास है। यह गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों पर खरा उतर रहा है। हमारे छात्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, प्राइवेट कंपनीज में चले जाते हैं और नेशनल लेवल पे जो अभी मुझे पता लगा है उसमें कम से कम 22 लोग हमारे पीएचडी की कंपटीशन में आईसीआर के द्वारा जो एग्जामिनेशन कराया गया था उसमें सिलेक्ट हुए हैं। 17 लोगों ने हमारे यहाँ जेआरएफ फेलोशिप प्राप्त की है। आज इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं इस विश्वविद्यालय के अधीन चल रहे अनुसंधान और विकास कार्यों पर। पशु शरीर रचना विभाग किसी भी पशु का इलाज करना हो तो उसके शरीर की आंतरिक संरचना समझना जरूरी हो जाता है। विश्वविद्यालय के सभी पशु संरचना विभाग छात्र छात्राओं को छोटे और बड़े पालतू पशुओं की संरचना के बारे में शिक्षा देने के लिए समर्पित हैं। हमारे विभाग ने जो उपलब्धियां प्राप्त की उसमें से प्रमुख हमारे सहायक प्राध्यापक, जिन्होंने की 2 बार यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त किया। हमारे विभाग ने 6 बार बेस्ट पेपर अवार्ड प्राप्त किए और उसके बाद सन 2013 में संग्रहालय की स्थापना हुई जो कि मध्य भारत का एक सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। वेटरिनरी फिजियोलॉजी, इस विभाग में पशुओं के विभिन्न अंगों की क्रियाओं और जैव रसायन क्रियाओं पर अध्ययन और अनुसंधान किए जा रहे हैं। वेटरिनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, पशुओं के शरीर में औषधियों के प्रभाव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के गुणदोष की शिक्षा इस विभाग के जरिए दी जा रही है। इस विभाग के द्वारा छात्रों को दवाओं के प्रयोग पशुओं के ऊपर किस तरह से किए जाते हैं, कितनी मात्रा दी जाती है आदि का अध्ययन किया जाता है। इस विभाग के विभिन्न उपलब्धियों में हमारे यहाँ की यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, युवराज अवार्ड मिला है और 90, 91 एवं सन 2000 में 3 बार श्री रामलाल अग्रवाल नेशनल अवार्ड दिया गया। वेटरिनरी पैरासिटोलॉजी, मध्य प्रदेश में छोटे बड़े पशुओं में परजीवियों से होने वाले रोगों के निदान और उसके रोकथाम के लिए यह विभाग लगातार काम कर रहा है। वेटरिनरी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवी विज्ञान विभाग जीवाणुओं और विषाणुओं की संपूर्ण संरचना और उससे होने वाले पशु रोगों के बारे में जानकारी देता है। पशु सूक्ष्म विज्ञान विभाग की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण महाविद्यालय की स्थापना के साथ पशुओं के रोगों की जांच, उनके निदान एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए हुई। इस विभाग के अंतर्गत 10 अनुसंधान परियोजनाएं संचालित हुई। वेटरिनरी पैथोलॉजी, व्याधि विज्ञान विभाग मुख्य रूप से प्रमुख पशु पक्षियों में होने वाले विभिन्न रोगों के परीक्षण कर रोगों के बारे में जानकारी देता है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। विभाग ने एवियन इन्फ्लेमेशन पर शोध कर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। यह विभाग डॉक्टर जे एल वेगर्ट सर के मार्गदर्शन में हुई एवियन इन्फ्लेमेशन
पर अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। वर्तमान में पशु पक्षियों के रोग निदान एवं अनुसंधान में उपयोगी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं इस विभाग में मौजूद हैं। वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, यह विभाग जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में होने वाले रोगों पर अनुसंधान और शिक्षण का बखूबी काम कर रहा है। हमारी फैकल्टी 60% से ज़्यादा हमारी फैकल्टी PhD डॉक्टरेट है और उसने काफ़ी प्रपोजल्स इन्होंने सबमिट किए हैं, करीब 42 के आसपास किए हैं। अवार्ड नेशनल लेवल पे बहुत जीते हैं और इनमें जो राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड हैं, हरिओम ट्रस्ट अवार्ड, रफ़ीक अहमद किदवई अवार्ड, हुकर अवार्ड और अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ये इन्होंने जीते हैं। वेटरिनरी न्यूट्रिशन, जैसा आहार वैसी काया, पशुओं को अच्छा आहार मिलेगा तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। इसी को आधार बनाकर पशु पोषण विभाग अनुसंधानों में जुटा है और विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहा है। उसका मकसद है कि किसानों और पशुपालकों तक इसका लाभ पहुंचे। पशु पोषण का पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर हम अच्छा पशु पोषण करेंगे तभी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस विभाग के मुख्य उद्देश्य है कि हम पशु पोषण में होने वाले प्रयोगों को और जो हमारे अनुसंधान हो रहे हैं उनको किसानों तक पहुंचाएं। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, यह विभाग मध्य प्रदेश की मुख्य गौवंशीय, भैंसवंशीय और मुर्गियों की नस्लों के संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। जानवरों का नस्ल सुधार के जरिए सभी प्रकार के पशुओं का उत्पादन बढ़ाने में विभाग मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं भारत सरकार द्वारा 10 वित्त पोषित परियोजनाएं संचालित की जा चुकी हैं, जिनके द्वारा पशु संवर्धन संरक्षण एवं आन्यक मूल्यांकन किया जाकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग की अनुशंसा के अनुसार उनके प्रजनन क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान संकर नस्ल द्वारा एवं संकर नस्ल को रोकने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस विभाग में पशु प्रबंधन और उत्पादन संबंधी शिक्षा और अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस विभाग ने मुर्गियों के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। नर्मदा एक्सेल, कृष्णा जे, विंध्याचल ब्रायलर विकसित किए जा चुके हैं। वहीं एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रजाति नर्मदा निधि का विकास किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषकों के लिए उन्नत कुक्कुट नस्लें विकसित करना है। उसमें मुख्य अभी आंगनवाड़ी बैकयार्ड पद्धति में ग्रामीण परिवेश में पालन के लिए नर्मदा निधि के नाम से द्विकारी रंगीन नस्ल विकसित की गई है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लोकार्पित की गई है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इस विभाग में पशु उत्पादों का संवर्धन और प्रसंस्करण संबंधी शिक्षा दी जाती है। विभाग की गतिविधियों में कम वसा युक्त चिकन पेटिस, लस्सी और छाछ आधारित स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने की तकनीक प्रमुख है। वेटरिनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इस विभाग में मादा गाय भैंस के साथ अन्य पशुओं में गर्भधारण की जांच की जाती है और उनमें रोगों व्याधियों का उपचार किया जाता है, ताकि पशु प्रजनन और उनका उत्पादन प्रभावित ना हो। वेटरिनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, शल्य विज्ञान विभाग में पशुओं की जान बचाने के लिए उनकी शल्य चिकित्सा की जाती है। वर्तमान में यह विभाग मध्य प्रदेश का सबसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित विभाग है। इस सर्जरी एंड रेडियोलॉजी द्वारा पिछले 60 वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें बहुत उल्लेखनीय कार्य में हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट, इंटरलॉकिंग और स्टेम सेल थेरेपी का कार्य किया है। आई सर्जरी में हम कृत्रिम लेंस सौनों में डाल रहे हैं। वेटरिनरी मेडिसिन, यह विभाग मुख्य रूप से पशुओं में होने वाली बीमारियों के परीक्षण और उनके उपचार में लगा हुआ है। नए नए अनुसंधानों के जरिए बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग टीकाकरण का काम कर रहा है। वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन,
इस विभाग के माध्यम से विभिन्न इकाइयों की विकसित तकनीक को किसानों तक पहुंचाना और पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना है। लाइव स्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस, कड़कनाथ प्रजाति का कोई जवाब नहीं। काले मांस वाली ये प्रजाति जहां खाने में जायकेदार है, यह विभाग इस नस्ल को बढ़ाने के लिए जुटा हुआ है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, इस सेंटर में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पशु जैव प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा रहा है। यहां मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टेम सेल और एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अनुसंधान किए जा रहे हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना सितंबर 2000 में की गई। इस केंद्र की स्थापना के मुख्य उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य एवं केंद्र द्वारा किए गए अनुसंधान का आम लोगों में प्रसार। इस केंद्र द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर भारत सरकार में 2 पेटेंट या अधिकार पत्र दाखिल किए गए हैं। साथ ही इस केंद्र द्वारा किए गए रिसर्च को विश्व एवं देश की प्रमुख शोध पत्रिकाओं में 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। पंचगव्य केंद्र, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय में पंचगव्य निर्माण केंद्र बनाया गया है। विभाग में गौमूत्र, गोबर, दूध, घी और दही से कई तरह के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च सर्विसेज नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस के अंतर्गत अभी 45 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं और इनका टोटल फाइनेंशियल आउटवे लगभग 96 करोड़ रुपीस के है। इन परियोजनाओं में मुख्य परियोजना हमारी है एक पंचगव्य की निर्माण इकाई। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत इस निर्माण इकाई में अभी तक हमने कई प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट किया है, जिसमें एक मुख्य है काउ यूरिन अर्क, हवन सामग्री गोबर द्वारा निर्मित, और इसके साथ ही साथ हमने एक मास्कुटो कायू का भी निर्माण किया है और विभिन्न घनवटी का भी हम निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ, यह स्कूल विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र है, जिससे कई प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ छात्र जहाँ वन्य जीव स्वास्थ्य और फॉरेंसिक की शिक्षा ले रहे हैं, वही फॉरेंसिक जांचों में यह न्यायालयीन साक्ष्य जुटाता है। हमारा वाइल्ड लाइफ सेंटर जो है, ये एक अपने तरह का प्रतिष्ठित सेंटर है पूरे देश में, और ये अपने ही प्रदेश की नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स इनके सेवाएँ वहाँ भी दे रहे हैं। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक कार्य पर अनुसंधान एवं विस्तार का कार्य कर रहा है। इस स्कूल में वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, वाइल्ड लाइफ डायग्नोस्टिक एवं वाइल्ड लाइफ हेल्थ पर कार्य चल रहा है। इस स्कूल के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है तथा उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस स्नातक कार्यक्रम में हर साल दर्जनों छात्र मत्स्य पालन, मत्स्य रोग और उसके प्रबंधन जैसे विषयों पर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। नानाजी पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1 सितंबर 2012 को मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक कार्य का 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक कार्यों के अलावा प्रैक्टिकल यूटिलिटी मत्स्य पालन विज्ञान संबंधी जानकारी दी जाती है। मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत जो क्षेत्रीय तालाबों में कैसे मछली पालन हो, कैसे इसकी तकनीकी ज्ञान हो, ये सब संवर्धन संबंधी तकनीकी ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। इस महाविद्यालय से 2 ऐसे ग्रेजुएट निकले जो वेटनरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाने माने वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर एनसी जैन अमेरिका में हैं, वो प्रोफेसर वहाँ रहे, और डॉक्टर जे बी दुबे वो परजीवी विभाग के एक बहुत माने हुए वैज्ञानिक हैं जो भी अमेरिका में रह रहे हैं। विंध्याचल के पशुपालकों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए पशुपालन के क्षेत्र में,
उसके लिए हमारे पास संपूर्ण साधन उपलब्ध हैं। इस समय हमारे यहाँ BBSC एंड AH के साथ साथ पिछले साल से ये MBSC प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, जो यहाँ के जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग असली मायने में नानाजी देशमुख जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम उद्योग की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग गुणवत्ता का ध्यान रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो अंतिम छोर पे किसान बैठा है, किसान है, उसके जो उसकी संभावनाएं हैं, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, उनको हम पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।